राधा रानी के बारे में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। गोविंद को यही पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधा का नाम जपते रहें। अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है न जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। हम उसके सामने सर झुकाते हैं, वो सबके सामने हमारा सर उठाता है। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसीधर सो बट नहीं, कन्हैया नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा का दास, जन्म जन्म मोहे दियो श्री वृंदावन का वास। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है पहले उसे संभालिए। आफत का आना तो है एक बहाना, सवाल है आपको कितने आगे तक है जाना। प्रयास होगा आपको रोकने और डराने का, पर आपको बिना हारे चलते है जाना। खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं कि भगवान नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने अभी तक बरसाने में बैठी मेरी राधा रानी की चौखट नहीं देखी। मुझे नहीं मालूम साधना और आराधना क्या होती है, मेरे लिए तो तुम्हें सोचना ही मेरी साधना है, और तुम्हें सोचते हुए खो जाना मेरी आराधना है। श्री राधा रानी के बारे में ब्रह्मदेव स्वयं कहते हैं कि सबकी स्वामिनी एकमात्र श्री राधा रानी ही हैं। हे किशोरी जी, आपके समान केवल और केवल आप ही हैं, और दूसरा कोई नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो ही ऐसी चीजें हैं जिन्हें देने में कुछ नहीं जाता, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हमेशा बांटते रहिए, हमेशा बढ़ती रहेगी। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत, प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्ण की प्रीत। कितने चेहरे हैं इस दुनिया में, मगर हमको बस एक श्री राधा रानी का ही चेहरा नजर आता है। दुनिया को हम क्या देखें, उनकी याद में ही सारा वक्त गुजर जाता है। इतनी पीड़ा सहकर भी प्रेम की देवी श्री राधा रानी निस्वार्थ प्रेम जग को सिखाती रही, इस धारा को दिव्य प्रेम और शाश्वत प्रेम का महत्व समझाती रही। प्रेम की पराकाष्ठा वो नहीं जान सकते जो गहराई में नहीं उतर सकते, प्रेम की गहराई राधे कृष्ण में है। कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा, हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उसका साथ नहीं छोड़ते, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु उनका कभी साथ नहीं देते। यदि श्री कृष्ण ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, तो निश्चित मानिए श्री कृष्ण आपको कुछ ऐसा देंगे जिसे पाने के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम, दोनों के ही चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।